हेलो एवरीवन नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कोड लाइफ में आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे तंदुरुस्त होंगे खुश होंगे आज का ब्लॉग है संडे के दिन का तो आज संडे स्पेशल ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आज मैं घर पे रहने वाली हूँ दोपहर तो तक कोई चांस नहीं है आज मैं शॉप पे जाऊंगी तो शुरू से ही इसी तरीके से आज ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मैंने आज पूरा दोपहर तक का जो भी मेरा रूटीन होगा वो आपके साथ शेयर करूंगी तो सबसे पहले यहाँ पे पूजा के बाद चाय चढ़ाई है वो नॉर्मल रूटीन है और इससे पहले मैंने थोड़े से चने बोल करे हैं और आलू बॉयल करे हैं तो इतनी सारी मेरी तैयारी हो चुकी है यहाँ पे मैं चने निकाल लेती हूँ बहुत ज़्यादा चने नहीं थे थोड़े ही मैंने बॉयल करे थे इनके लिए कर दिए थे कि थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाता है ब्रेकफास्ट में अगर ये लेंगे तो मैंने रात को भिगा दिए थे और सुबह उठते इनको मैंने फिर जो है उठते नहीं मतलब बॉयल होने के लिए रख दिया था पूजा से पहले ही इनका मैंने पानी निकाल दिया है क्योंकि अगर मैं चना मसाला बनाती तो पानी यूज़ कर लेती अब मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी तो यहाँ पे चने मैंने अलग निकाल लिए हैं इधर मेरी चाय बन रही है और अब मैं आलू को छील लूँगी क्योंकि आलू भी मैंने ठंडे करके ठंडे होने के लिए मतलब ऐसे ही रखे हुए हैं और दिन आज बहुत ही ब्राइट मौसम है मतलब तेज़ धूप वाला चमकीला चमकीला हो रहा है आज पूरा और गर्मी भी इस टाइम पे काफ़ी पड़ रही है आप लोग बताइएगा किसके यहाँ पे बारिश हो रही है किसके यहाँ पे गर्मी हो रही है क्योंकि अभी तो बारिश कहीं पे भी मुझे नहीं लगता हो रही है गर्मी पूरी ज़बरदस्त वाली है तो आलू छील लेती हूँ तब तक मेरी चाय अच्छे से बॉयल हो जाएगी फिर उसके बाद चाय वगैरह लेंगे और दिन संडे का है तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है हालांकि आज संडे जैसा लग नहीं रहा है क्योंकि इनको भी जाना है कुछ काम है ऑफ़िस तो नहीं जाएंगे लेकिन काम ऑफ़िस का ही है बाहर जाएँगे लोकल में ही जाएंगे तो मेरे लिए तो ऑफ़िस जैसा ही है तो बस यहाँ पर देखिए चाय अच्छे से हमारी बॉयल हो गई है इसको मैं छान लेती हूँ और उसके बाद फिर लगते हैं ब्रेकफास्ट के प्रोसेस में ब्रेकफास्ट आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के सैंडविच काफ़ी टाइम से आलू के सैंडविच नहीं बने पापा बोल रहे थे तो इसीलिए मैंने आलू बोइल कर दिए थे और संडे के दिन ना आलू बॉयल कर ही देती हूँ कभी पराठा बन जाता है या किसी और चीज़ में काम आ जाते हैं या फिर बच्चे तो डेली जाते ही हैं कुछ ना कुछ बन ही जाता है तो आलू मेरे जो है थोड़े बड़े साइज़ के थे अच्छे से मैस नहीं हो रहे थे तो उनको मैंने ग्रेट कर लिया है छील के ठंडा करके और यहाँ पे दो मैंने प्याज ली थी जिनको चॉपर में कर लिया है प्याज के साथ सैंडविच का टेस्ट बढ़ जाता है तो यहाँ पे मैंने प्याज भी इसमें ऐड कर दी है और आलू भी मैंने कम ही लिए हैं थोड़े से ग्रेट वाले बच गए हैं अगर लगेगा तो फिर मैं और ले लूँगी अब इसमें रूटीन के थोड़े से मसाले मैं ऐड करूँगी जो स्टफिंग बना रही हूँ इसमें डाल दिया है सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से और जो है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर तीखी वाली जो दरदरी कोटी होती है या फिर चिली फ्लिक्स भी आप डाल सकते हैं हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाली और चाट मसाला और जो है थोड़ा सा गरम मसाला ये सब मैंने इसमें ऐड करा है चाट मसाला ना हो आप अमचूर पाउडर डाल लें तो उससे भी थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है और अच्छे से कर लूँगी इसको मिक्स ना मैंने ग्रीन चिली यूज़ करी है ना धनिया क्योंकि हरा धनिया है नहीं आज दिन संडे का है तो ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें इस टाइम तक क्योंकि संडे के दिन हमारी सब्ज़ियाँ आती हैं अच्छे से इसको मैंने कर लिया है मिक्स हाथों से ही और फटाफट से काम मुझे आज थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है आँखों के सामने क्योंकि मेरा तो रूटीन सेट होता है कि, कि किस दिन मुझे क्या करना है सभी का होता है लगभग हाउसवाइफ का यही होता है कि आज मुझे ये करना है तो यहाँ पे फटाफट से चटनी वगैरह नहीं मैं कुछ भी यूज़ कर रही हूँ हल्का सा मैंने मक्खन लगा लिया है और उसके बाद फिर मैंने इन पर जो है ये स्टपिंग रखनी शुरू कर दी है भर भर के आलू मतलब जितना भी आपको पसंद हो कम ज़्यादा क्योंकि इसके अंदर अनियन है तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा जो अनियन का क्रंच होता है ना बहुत टेस्टी लगता है तो फटाफट से इनको मैं तैयार कर लेती हूँ और फिर सेकना शुरू करूँगी यहाँ पे लिया तवा और लिया है ये घर वाला मक्खन जो मैं घर में ही बनाती हूँ इसको रखा और फिर जाएगा इसके ऊपर ब्रेड का स्लाइस जो मैंने भर के तैयार कर लिए हैं थोड़ा सा मक्खन ऊपर से लगा देती हूँ जिससे कि टेस्ट और अच्छा आएगा मक्खन के साथ सैंडविच बनाते हैं तो टेस्ट अलग होता है ऑयल के साथ बनाते हैं तो भी अलग होता है और घी का भी अलग होता है तो आज इत से मक्खन है तो मक्खन का बना दिया कई बार रेडीमेड भी होता है कई बार घर का होता है और कई बार नहीं भी होता है तो ऐसा होता है क्योंकि मक्खन जरूरी नहीं है हर टाइम ही घर में हो कभी ख़त्म हो जाता है लेकिन आज मुझे घर वाला ही मिल गया तो टेस्टी वाले सैंडविच दबा दबा के अच्छे से लो आँच पर मैंने इनको सेक लिया है क्रिस्पी बिल्कुल बढ़िया वाले सैंडविच हमारे बन के तैयार हो गए हैं हरी चटनी होती हरे धनिए पुदीने की तो और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता लेकिन नहीं है कोई बात नहीं है सॉस के साथ खा लेंगे तो बहुत टेस्टी लगने वाले हैं फिर से दूसरा बैच ऐसे ही मैं इसके ऊपर रख दूँगी मक्खन डालने के बाद और इनको भी अच्छे से हल्का सा दबा देती हूँ इससे जल्दी सिक जाते हैं और क्रिस्पी सिकते हैं ये इस तरह से घुमा के जो भी मैं यहाँ पे मक्खन लगा हुआ होता है उसको इनके ऊपर लगा लेती हूँ जिससे कि तवा जलता नहीं है और ये हो गई है हमारी ब्रेकफास्ट प्लेट तैयार तो आ जाइए क्रिस्पी से, से सिंपल से देसी से स्टाइल के सैंडविच आप भी इंजॉय कीजिए खाना पीना हो गया है और ये देखिए ये काम भी जरूरी है मलाई मैंने जमा के रखी हुई है और ये दो तीन दिन की रखी हुई है मतलब दो दिन की रखी हुई है आज तीसरा दिन था आ, वैसे तो मैं अगले दिन कर लेती हूँ लेकिन शॉप पे जाने की वजह से बच्चों का स्कूल कॉलेज की वजह से नहीं हुआ तो ये मैंने ऐसे ही फ्रिज में रखी हुई थी इसको मैंने बड़े बड़े कोने में पलट लिया है और आ, फिर इसमें जो है ब्लेंडर चला लेते हैं और यहाँ पे क्या हुआ था ब्लेंडर चलाते चलाते लाइट चली गई आधा ही हुआ था तभी लाइट चली गई और इन्वर्टर से थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया और मुझे लग रहा था कि ब्लेंडर नहीं चलेगा इन्वर्टर से लेकिन चल गया और इस काम को मैं पहले ही कर लेती हूँ किचन समेटने से पहले ही क्योंकि छीटे वगैरह आ ही जाते हैं आप देख रहे हैं मलाई थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो ये देखिए बातों ही बातों में जो है मक्खन भी हमारा रेडी हो गया है ये देखिए बहुत ही अच्छा सा मक्खन रेडी हो गया है तो इसको निकाल लेती हूँ छाछ अलग कर लेती हूँ और फिर साथ साथ इसको रख दूंगी पकने के लिए यहाँ पे घी मैंने चढ़ा दिया है पकने के लिए क्योंकि अभी तक मक्खन था अब घी बनना शुरू हो गया है तो अब इसको नाम दे देते हैं घी का एक दूध से कितनी सारी चीज़ें हमारी बन तैयार होती हैं नाम अलग हो जाते हैं दूध होता है दही होती है मट्टा होता है छाछ और घी मतलब ढेर सारे मावा खोया दही है भगवान कितनी चीज़ें इस दूध से हम बना लेते हैं तो यहाँ पे घी भी बहुत अच्छे सा बन के रेडी होने वाला है और ये देखिए सारा कुछ रिकॉर्ड करूँ तो पता नहीं एक दिन के कितने ब्लॉग रेडी हो जाए लेकिन यहाँ पे घी हमारा बस बन गया है अब मैं गैस ऑफ कर दूँगी क्योंकि कढ़ाई इतनी गर्म होती है कि इसके बाद ये और भी थोड़ा सा पक जाता है अगर पूरा हम इसको पकाने के बाद जब एकदम रेडी हो ना तब बंद करते हैं गर्मी के सीज़न में फिर वो रेड हो जाता है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है इस टाइम पे और ये छाछ देखिए एक साइड हो गई है सारी और फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करके मैं छान लूँगी बिल्कुल एकदम बढ़िया सा घी बन के तैयार है इसके बाद घी मेरा पक गया है उसको मैंने छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए आज थोड़ा सा सर में तेल लगाने का मन है क्योंकि सर में ना एक तो बाल बहुत झड़ रहे हैं गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं मतलब बरसात के बाद पसीने वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं ना और एक सर में खुजली सी आ रही थी तेल लगाने का टाइम ही नहीं होता इस बार बहुत कम तेल लगा पाई हूँ मैं गर्मी के सीज़न में तो सोचा पहले तेल लगा लेती हूँ क्योंकि काम आज बहुत लंबा चलने वाला है संडे का दिन और काम जो सोचा हुआ हो ना तो फिर वो मेरा मन नहीं लगता तो आज थोड़ा सा गुस्सा आ गया है और मुझे लग रहा है कि गर्दन पे ना घमोरी ऐसा हो रहा है हुआ नहीं है मतलब जैसे हो जाएगा तो थोड़ा सा पाउडर लगाया और फटाफट से आ गई फिर से किचन में अब मैं घी छान लेती हूँ और किचन की हालत तो आप देख ही रहे होंगे तो सुबह से ऐसी चली आ रही है पर सारा काम ख़त्म करने के बाद और घी का ये डब्बा जो है मेरा नवरात्रि के लिए होता है माता के अखंड जोत के लिए तो आज मैंने सोचा कि इसी में घी कर लेती हूँ बाकी फिर आगे आगे वाले जाने क्योंकि आजकल माईके से भी घी नहीं आ रहा है मम्मी के यहाँ पे दूध नहीं हो रहा है और कोई करने वाला नहीं है मम्मी ने फिलहाल एक ही बहस रखी हुई है एक का दूध निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है मम्मी से दूध निकालना नहीं जाता बाकी और तो कुछ नहीं करना पड़ता पर दूध तो निकालना ही पड़ता है तो अब कोई चांस नहीं है कि घर से घी आएगा तो जो है घी को भी यहीं पर यूज़ अपना करना है यहीं पे बनाना है नहीं तो फिर मुझे करना पड़ता है मैं रेडीमेड घी मतलब नहीं पसंद करती ना खाया जाता है और ना मैं मतलब उसकी स्मेल बर्दाश्त कर पाती हूँ तो कभी खाया ही नहीं है बाहर का घी तो हमेशा घर का ही घी खाया है चाहे मुझे क्रीम लेके बनाना पड़े और बना भी लेती हूँ कभी कभी ज़रूरत पड़ती है लेकिन सबसे पहले है कि पूजा पाठ भी मैं अपने घर के बनाए घी से ही करती हूँ जैसे दिया बाती सब कुछ बाहर के घी का मेरा मन नहीं मानता पर चलो खैर वो तो सबकी अपनी अपनी होती है मेरे पास हो जाता है तो मैं कर लेती हूँ नहीं तो इमरजेंसी में करना भी पड़ता है ऐसी कोई बात नहीं होती है हम गाँव के लोग हैं ना तो हमें कुछ स्मेल वगैरह का ज़्यादा ही होता है तो यहाँ पे घी मैंने छान दिया है दोनों डब्बों में कर दिया है एक मेरा डेली यूज़ का होता है जिसमें से मैं यूज़ करती हूँ एक पूजा का अलग होता है तो इस तरीके से ढेर सारे काम मतलब एक हाउस वाइफ को इसी को बोलते हैं घर सिंगवा के काम करना मतलब कैसे सिंगवाती है कैसे एडजस्ट करती है सब कुछ तो मतलब वही सब कुछ होता है चलो खैर ये काम होते होते मैंने कर लिए हैं बर्तन वगैरह भी ढेर सारे और अब आ गई है किचन साफ़ करने की बारी रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं कर रही हूँ बहुत बड़ा ब्लॉक हो जाएगा कपड़े सुखाने के बाद व्हाइट कपड़े मैंने धुले थे यहाँ पे लग गई हूं मैं अपने गार्डन में थोड़ा सा ना पेड़ पौधे कुछ बड़े भी हो रहे हैं और ये जो मेरे रैबिट्स हैं ना तो ये उधम मचा के रखते हैं यहाँ पे इन्होंने गड्ढे गड्ढे मतलब मिट्टी खोद खोद के बुरी हालत कर रखी है और ये काम स्ट्रे कर लेता है या फिर मैं कर लेती हूँ अब सबका टाइम ऐसा ही है क्योंकि बच्चों का पढ़ाई का टाइम चल रहा है तो मुझे आया है गुस्सा और आज गुस्से में मैं लग गई हूँ इन सारे कामों में जब मुझे गुस्सा आता है तो फिर मैं दिन देखती ना दोपहर देखती ना धूप देखती ये मेरी कमी लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए तो आज मैंने शुरू कर दिया है ये काम एक दिन सारा काम का बीड़ा मैं उठा लेती हूँ तो बस आज वही सब हो रहा है ये थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर इसको कट कर रही हूँ जो मुझे लग रहा है फालतू का फिर इसमें यहाँ पे झाड़ू मिट्टी सब वो मैं ठीक करने वाली हूँ अशर्य ने दो बार कर लिया पर ये मानते कहाँ हैं डेली इनको थोड़ा सा खोलते हैं ना सुबह के टाइम तो ये पूरे खोदने में लग जाते हैं मिट्टी और ये देखो एक शैतान हमेशा बाहर रहता है केज से तो ये तो सारा काम साथ साथ कराता है अगर मशीन में कपड़े भी डालूंगी ना तो वो भी ये साथ साथ पैरों से उनको भी कुचल कुचल के डलवाएगा इसका काम अलग है तो यहाँ पे आया देखने की मम्मी क्या कर रही है मम्मी के साथ साथ घूमेगा सारा काम करके और उधर का सारा काम कंप्लीट किया फिर आई मेन गेट की साइड वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया जो मेन गेट पे दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं वो भी बहुत बड़े हो रहे थे तो उनकी कटिंग करी और उनकी कटिंग करने के बाद सारा फिर वहाँ पे साफ़ सफ़ाई करी ने बाहर धुलाई वगैरह करी थी और थोड़ा सा आज मैं गुस्सा हो गई हूँ तो आ गई हूँ दोपहर तो में ही ऊपर क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गार्डनिंग होनी चाहिए बहुत दिन से मैं बोल रही थी ये जो मोरपंखी का प्लांट होता है ये बहुत पुराना हो रहा है ये मैंने लगाया था कभी और बहुत पुराना है मतलब कि कोई घर में शौक नहीं करता कि थोड़ी बहुत गार्डनिंग होनी चाहिए करनी चाहिए बोलते बोलते इतना टाइम हो गया इसको कट करो इसको कट करो कोई नहीं करता तो फिर बस आज सोचा कि आज अपने आप ही कर लेती हूँ थोड़ा ये चेंज करना था इसका प्लांटर छोटा पड़ रहा था ये गुड़हल ख़राब हो रहा है तो इसको मैंने इसमें पलट दिया है पहले सारी कटिंग करी मोर पंखे की उसको सारा कट कर दिया है देखिए कितना बड़ा हो रहा था और मौसम धूप जरूर है लेकिन ऊपर हवा लग रही है बहुत अच्छी बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है छाया में बैठ के सारा काम किया और इनको थोड़ा सा कट कर रही हूँ यहाँ पे एक मोगरा है ये भी मैंने कभी लगाया था ये भी पुराना ही है तो पहले मैं ये काम कर लिया करती थी लेकिन जब से मेरा बिज़नेस हुआ है यूट्यूब हुआ है इतने काम मैं अकेले नहीं कर पाती कोई भी नहीं कर पाएगा पर मन बहुत होता है हर टाइम मन कुलता रहता है कि कोई प्लांट नहीं है ये है वो है इतने प्लांटर खाली पड़े हैं सब बेकार हो गए शौक़ नहीं है किसी को भी नहीं तो घर में ना कर लेते हैं पर मेरे घर में शौक नहीं है तो इसलिए मेरा मन हुआ कि चलो आज थोड़ा थोड़ा अपने आप ही करती हूँ तो आज मैं लग गई हूँ और यहाँ अंश आया था शॉप से क्योंकि वो तो शॉप पे था नहीं तो वो मेरी हेल्प करने में लग जाता भले ही मैं गुस्से हूँ तो बस अब आया है वो वही मेरी एक क्लिप रिकॉर्ड कर रहा है और थोड़ा सा उसने हेल्प करी पौधों पा, को पानी वानी दिया तो अब मैं लग गई हूँ यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए देखिए बारिश इतनी हुई है इस बार काई काई पूरी छत काली हो गई है बहुत बुरी हालत है ये सब करने के बाद फिर ना ही आके फटाफट और अब भूख लग गई है सबको ये भी आ गए थे थोड़ी देर के लिए घर पे फिर इनको जाना है अभी तो कुछ खाना पीने की भूख थी थोड़ा सा मैंने चलिए अब जो है दो बज रहे हैं दो से भी थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा होगा टाइम भूख का जुगाड़ करने में लग गई हूँ इसमें मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल लिया थोड़ा सा गरम किया हिंग जीरा डाला और फिर डाल दी है ढेर सारी प्याज जो कि मैंने रफली ही चॉप कर ली है बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करी है और मैं बना के आ रही हूँ चने आपने देखा था सुबह मैंने बॉइल करे थे तो चने रखे हुए हैं लंच वग़ैरह मैं कुछ नहीं बना रही हूँ और मेरे यहाँ पर इतना लंच मतलब आदत नहीं है कि प्रॉपर लंच बने हालाँकि आज सुबह ना सैंडविच और वही हुआ था चने ही पर कोई नहीं है इतना ही चलता है और आजकल तो मौसम ऐसा हो रहा है तबीयत खराब के बाद ना किसी का प्रॉपर खाने का मन ही नहीं होता तो यहाँ पे मैं वो कर रही हूँ चने फ्राई और चने वाला पुलाव बना रही हूँ जो चावल के साथ मैं फ्राई करूँगी तो यहाँ पे बस थोड़े नॉर्मल रूटीन के मसाले जाएंगे और फटाफट से इसमें चावल और चने डाल के पुलाव हमारा रेडी और भूख का जुगाड़ फटाफट से टेस्टी वाला मैंने कर दिया क्योंकि थकान मुझे आप लगा सकते हैं कि कितनी हो रही होगी इस टाइम पे और जो है एक नींबू का पेड़ कट करते टाइम मेरे हाथ में ना मेरी एक उंगली में कांटा चुभ गया है तो वो भी बहुत दुख रहा है फुर्ती फुर्ती में मैं काम करती हूँ कई बार तो हो जाता है और कांटे वाले पेड़ काटना ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है जैसे गुलाब हो गया बड़ा तो ये डाले चने ये डाले चावल इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और ऊपर से इसमें डाल दूंगी मैं नींबू का रस टेस्टी वाला पुलाव चना पुलाव बन के हो गया है चना चावल पुलाव जो भी आप बोलें रेडी पी कर मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए और अब मैं ये कपड़े उतार लेती हूँ वाइट वाले और धूप में ना पिंक पिंक कपड़े आ रहे हैं पता नहीं क्यों ऐसे आ रहे हैं आ, अब मैं फिर दूसरा बैच इस पर सुखाने वाली हूँ क्योंकि मैंने दूसरा लोड लगाया था मशीन में तो वो, वो भी धुल गया है धुल तो पहले ही रहा था लेकिन मैं लेट गई थी उनको सुखाने के बाद फिर मेरा टाइम हो चला है शॉप पे जाने का लेकिन काम ढेर सारा हुआ है देखिए गार्डन कितना अच्छा लग रहा है साफ़ सफ़ाई होने के बाद ना सभी चीज़ें सभी जगह अच्छी लगती हैं चाहे वो जो भी जगह हो ऊपर हो नीचे हो बाहर हो अंदर हो सब अच्छा लगता है मन को बहुत शांति मिल रही है अच्छा लग रहा है तो आज के व्लॉग में इतना ही मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग